हम लोग पे हम पैर तक पकड़े, अकेले हम किस किस सब पुलिस को बोले अंकल कुछ तो करिए, कम से कम गाड़ी में तो बिठाइए, कुछ बैठा नहीं रहा था और ना ही किसी के तरफ देख रहा था, सब साइड रूम करके तमाशा देख रहा था वो लोग, कम से कम बीच में आकर के भीड़ भी हटाते, कुछ नहीं कर रहे थे वो लोग। इतना तकलीफ से मरे है कि कोई अपने बाप को तकलीफ से इतना मरते हुए देख के कैसे रह सकता है, बताइए ना। बॉर्डर में मरते तो ये हो रहा था कि मेरे पापा बॉर्डर में, आज तक बॉर्डर में कोई एक भी खरोच भी नहीं आया मेरे पापा को, लेकिन यहाँ मार दिए सब। परिवार के लोग सब मिलने आए, इस बुरे वक्त में हम लोग आंसू पोंछने का काम कर रहे हैं, इनको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विपक्ष जो है वो पब्लिसिटी कर रहा है, उनके नेता लोग कह रहे हैं कि आपसी रंजिश है, एक तरफा गोली चलाई गई है, एक तरफा खुखरी चलाई गई है, और जो फौजी एक बीएसएफ जवान की हत्या हुई है ये मामूली बात नहीं है, इसलिए हम सब लोग यहाँ आए उनको न्याय मिले, और जब तक यहाँ के डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक इन परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा। होली के बाद घटना, होली में भी इन लोगों ने एसपी को फोन किया, फोन नहीं उठाएंगे, उसके बाद जो है कोई सुरक्षा इनके परिवार को नहीं दी गई है, और कुर्की जब्ती खाली जो है नाम पे जो है किया जा रहा है, सुनने में तो आ रहा है कि पुलिस जो है वो प्रवीण को तो छोड़ दे नेपाल गई है, प्रवीण को छोड़ दे गई है नेपाल, अब यहाँ पूरा परिवार यहाँ डरा है, एक ही घर की तीन तीन महिलाएं विधवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, आप बताइए इनको न्याय कैसे मिलेगा। जो लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा। और यहाँ जो भी आईजी वगैरह मुख्यमंत्री कहते हैं डीजीपी से बात करते हैं, उनका एक भी वरीय पुलिस का अधिकारी जो यहाँ नहीं आया, खुद ये कह रहे हैं कि बयान टीवी में दे रहे हैं कि हम जाकर के परिवार के लोगों से मिले आईजी, और आईजी आए ही नहीं यहाँ परिवार से मिलने, ये तो ब्यूरोक्रेसी की भी हद हो गई। मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, गृह डिपार्टमेंट आज हम सुने मुख्यमंत्री का बयान क्यों बोलते हैं कि क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का जिम्मा है, हमको लगा कि भाई पुलिस महकमा जो है वो नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब पता चला कोरिया के जो किम जोंग है उनकी जिम्मेवारी है, ये स्थिति बनी हुई है, क्या हो रहा है यहाँ, कोई नैतिकता के आधार पर। अरे भाई आप मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बने बन गए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए, आप आइए इस परिवार से मिलिए, आंसू पोछिए, सहारा बनिए, इनको विश्वास दिलाइए इस परिवार को कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आपको सुरक्षा हम देंगे, और जो दोषी है उसको घसीट करके सलाखों के पीछे जो है वो डालेंगे, नहीं तो फांसी की सजा हम देंगे, ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री अधिकारी सब जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं,
विनोद नारायण साहब, विनोद जी का उसका नाम आ रहा है। ठीक होली से पहले जिन लोगों ने हत्या की, एक दिन पहले उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है। ये हमने कह रहे, हम तो यहाँ आए हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का जो परिवार जो लोग हैं, जो सदमे में हैं, जो पीड़ित परिवार है, सब लोग कह रहे हैं असलियत क्या है। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम आंख खोल करके जो है भीख मांग रहे हैं लोग। इनका अधिकार है कि न्याय मिले, लेकिन भीख मांगना पड़ रहा है। न्याय के लिए हमको एड़ी नाक रगड़ना पड़ रहा है कि हमको न्याय दे दो, न्याय दे दो। क्या प्रशासन है, क्या सुशासन है? नेता पूरी तरीके से सुशासन राज नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया। जहां रावण सेना जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पूरे बिहार। नेता प्रतिपक्ष कहा जा रहा है कि संहार अभी भी सत्ता पक्ष के लोग इसे नहीं मान रहे हैं। अभी से ये नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है और लगातार डराना धमकाना जो है वो किया जा रहा है। और जो संगठन जो चलाता था उस पर कई हत्या कई केस है। अब उनका मालिक कौन है, उसके संरक्षण में वो चौड़े हुए तो जांच का विषय। लेकिन अद्भुत ये है कि जो जांच करने वाला लोग है वही लोग इन्वॉल्व, जो संरक्षण देना प्रार्थना। हमारा सबसे पहला विपक्ष के नाते ये मांग है कि इनके परिवार को और खासतौर पर इस इलाके में सुरक्षा जो है वो दी जाए। दूसरा, जो नामजद एफआईआर जिनके नाम पे हुआ है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। और इसमें अगर कोई पूर्व मंत्री एमएलए का नाम आ रहा है तो उससे भी सवाल जवाब पूछताछ होनी चाहिए इस मामले को। और हम लोगों की मांग रहेगी, क्योंकि ये परिवार एक बीएसएफ के जो जवान है उनको मारा गया, तीन बेटे जो पिता है वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है, बिहार रेजिमेंट में रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके परिवार में नौकरी जो है वो राज्य सरकार सरकारी नौकरी प्रदान करने का काम। देखिए, हम लोगों को जहां भी आवाज उठाना होगा, जिस स्तर पे हम लोगों को जाना होगा न्याय दिलाने के लिए, वहां का हम लोग जाने का साथ। क्या बाबू साहब बचा रहे हैं क्या? अब कहां इसमें 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 जो लोग हैं, अब तो हम बोल रहे हैं एसपी और डीएसपी जब तक रहेगा इनको न्याय नहीं मिलेगी, तो उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। अविलंब हटाना चाहिए, जस्टिस कैसे मिलेगा? हमारे पास फोटो है क्या? आप लोग को हम फोटो भी दिखा देते हैं, रिलीज भी करवाएंगे। मैं कार्य कर रहा हूँ, इतना बड़ा न्याय जो डीएसपी वाला एक सेकंड खोल दे। ये प्रवीण है जिसने हत्या की और जो संगठन रावण के नाम से चलाता है, और इनके गुरु कहलाए जाने वाले जो लोग हैं वो विनोद, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो है विनोद नारायण झा। आप देखिए, यही व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी है, डीएसपी जो है उसके साथ फोटो, ये डीएसपी है अधीर। आप कैसे आप कह सकते हैं कि निष्पक्ष जांच जो है वो होगा? इसमें एसडीओ वगैरह सब है, और लगातार इनके प्रशासन के लोगों से भगत लगातार रहते हैं। जो अधिकारी वगैरह संगठन से लोग कमाते हैं उसमें कुछ पैसा जो है अधिकारियों को भी चलता, ये लोग देने का काम करते हैं। ये करप्शन घुसखोरी नीतीश जी के राज में मामूली बात है। न्याय कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होगा, कहाँ है न्याय नीतीश जी? वो तो कहते हैं कि हम कुछ एक भी समय खाली नहीं तो काम करते हैं।
कौन सा काम करते हैं? आरसीपी टैक्स कलेक्शन, पांच बार डीजीसी वो आरसीपी टैक्स कलेक्शन करते हैं। पांच बार आके डीजीपी क्या बताएगा? डीजीपी को क्या पता? जो उसका एसपी बोलेगा वही उसको रिपोर्ट देगा। बीजेपी का क्या कहना है? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है वोट दे करके किसको बैठाया गया है? आकर के मिलना चाहिए, परिवार के लोगों की सुननी चाहिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की सुननी चाहिए। लोकतंत्र पढ़ाई आप बताइए, एसपी किससे पूछेगा? डीएसपी से, डीएसपी के साथ फोटो वो कहने की कानून इतना कोई बच्चे का नहीं। कौन कानून? कानून तो इन लोग तो तानाशाही रवैया से देख ही रहे कि पुलिस जो है इतना बढ़िया कानून है कि नेपाल चली गई छोड़ दे प्रवीण को, ये कानून है इनका। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री कहता है कि डीजीपी से बात की, डीजीपी बात करेगा एसपी से, एसपी बात करेगा डीएसपी से, जो डीएसपी रिपोर्ट देगा एसपी को वही एसपी रिपोर्ट देगा डीजीपी को, वही डीजीपी बताएगा मुख्यमंत्री को, न्याय कहाँ मिलेगा? मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी है जहाँ घटना हुआ वहाँ जाइए, पीड़ित परिवार से मिलिए और उनको न्याय दिलाइए। तो इसमें चुनाव क्या लग रहा है कि बाबू साहब बचाने में लगे हुए हैं? बयान हुआ था चुनाव के वक्त आपको काफी घेरा गया था, देखिए ये आप कहीं और ले जाना चाह रहे हैं, ये बात नहीं। जहां भी अन्याय होगा वहां तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ खड़ा रहे। नेता है क्या, क्या आश्वासन दिया है आप लोगों को, किस तरह का बात बताया गया? कुछ ने कहा है न्याय मिलेगा, लोगों को माफी नहीं होगा। हम लोग हम ये है, इन पे ही विश्वास है कि ये अगर कर सकते हैं तो हम लोग को न्याय मिल सकता है और मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ ना, बस न्याय मिले और कुछ नहीं, बस खून के मतलब और कुछ नहीं चाहिए हम लोग। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।